वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइज. मैं रणबीर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर. गाइज मैं जब भी अक्सर मैं ट्रैवल करता हूँ महाराष्ट्र के बाहर, स्पेशली मैं जब भी नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन जो है कलकत्ता साइड में जब मैं ट्रैवल करता हूँ, तो यूजली लोग मुझे पूछते हैं कि क्या महाराष्ट्र में काली मंदिर है. तो उनके लिए ये जवाब है. फाइनली वे इनसाइड द टेम्पल और ये है काली माता मंदिर. कुरलाकैंप में स्थित है और यहाँ पर जो आप देखोगे यहाँ पर है माँ काली की मूर्ति. तो मंदिर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में सबसे अच्छी जानकारी देंगे जो मंदिर के लोग हैं, जो कमेटी मेम्बर हैं. तो हम यहाँ की एक कमेटी मेम्बर से पूछते हैं कि मंदिर के बारे में. तो फिलहाल हम मंदिर देख लेते हैं और जो भी बातचीत है, जो भी क्वेश्चन आंसर से हम उनसे पूछेंगे. एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है मंदिर के अंदर, बट जो ये मंदिर है इससे मेरी बचपन की काफ़ी ज़्यादा यादें मेरी जुड़ी हैं. व्हेन आई वाज टीन यहाँ पर हम आते थे, यहाँ पर हम पूजा वगैरह करना, प्लस कमिटी के साथ यहाँ पर बंगाली ड्रामाज में काम करना, प्लस जो दुर्गा पूजा काली पूजा होता था तो जब भोग जो प्रसाद जो होता था हम उसमें प्रोसेशन में भी हम करते थे. तो काफ़ी एक अच्छा माहौल है यहाँ पर आप देख सकते हो. और मेरे साथ है मंदिर के ही एक कमिटी मेम्बर. तो सर मुझे बताइए ना ज़रा कि ये मंदिर कितना पुराना है. हमारा मंदिर हम लोग स्टार्ट किया 1970 को. अच्छा. जब ये मंदिर छोटा सा था, कच्चा झोपड़ा था. 1970 को चालू किया और झोपड़ा से हम लोग इतना बड़ा किया. ये मंदिर का सिर्फ माँ का पूजा हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ से जो पैसा बचता है उससे कैंसर पेशेंट का सेवा करता है. आप आगे चल के देखेंगे वहाँ हमारा थर्ड फ्लोर का गेस्ट हाउस है, बहुत बड़ा गेस्ट हाउस. हम लोग कैंसर पेशेंट से नाम मात्र पैसा लेता है, जो उसकी कोई मतलब नहीं है. हमारा कैंटीन है शारदामा कैंटीन, वहाँ कैंसर पेशेंट लोग खाना खा सकते हैं. ये सेवा करता हूँ. तो यही जो वीडियो का आज मेरा सस्पेंस था वो सर ने सस्पेंस मैंने खोल दिया. ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था, जो कैंसर पेशेंट्स के बारे में जो बता रहे थे उस चीज़ के बारे में मुझे बताना था. पर धीरे धीरे करेंगे, पूरे मंदिर को हम अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग और भी कुछ जानेंगे मंदिर के बारे में. तो फिलहाल वीडियो पूरा देखना है और आखिर तक देखना है. सो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पर एक और एक मंदिर है, यह है एक शिव मंदिर है. यूजुअली यहाँ पर भी एक शिव मंदिर है जो कि अंबरनाथ साइड में, बट बेसिकली जब भी शिवरात्रि होता है तो मोस्ट ऑफ द वुमन जो यहाँ पर रहते हैं नियर बाय वो यहीं पर आते हैं, दूध जल जो भी अर्पण करना है वो यहीं पर आते हैं. इनफैक्ट सोमवार के टाइम पर भी जो आना होता है वो यहीं पर आते हैं. तो गाइज एक बार क्लोजर लुक देखते हैं कि मंदिर ये कैसा है. मैं अभी सर से बात कर रहा था तो सर मुझे कह रहे थे कि इस मंदिर के अंदर एक किचन भी है जहाँ पर प्रसाद वगैरह जो भी है जो माँ को अर्पित किया जाता है, तो वो मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पर किचन है. तो सर किचन आप दिखाएंगे ज़रा हमें? हाँ चलिए. तो चलिए हम लोग देखते हैं किचन.
तो गाइस ये है किचन जहाँ पर माँ का जो प्रसाद होता है वो यहाँ पर तैयार होता है। तो ये है एंटायर किचन। काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हो, क्योंकि भगवान का जो भी प्रसाद वगैरह बनता है वो काफ़ी शिद्दत से बनाया जाता है, काफ़ी नीट एंड क्लीन सोच समझ के उसे बनाया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कि ऐसा एक जो एक बंगाली कल्चर है जो हम मुंबई महाराष्ट्र में हम देख सकते हैं। आई रियली यू नो अप्रिशिएट करता हूँ मैं जो भी लोग अदर स्टेट में रह के उस जो चीज़ होती है जिसे हम मैं अगर पर्सनली मैं अगर अपने वर्ड में कहूँ तो बंगालिज्म जो हम बॉन्ग कल्चर जो हम कहते हैं, तो यही लोग हैं जो रखने में उसे हमें हेल्प करते हैं। किचन में स्टोर रूम आपको दिखाता हूँ और ये है किचन का स्टोर रूम, तो अंदर चल के हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो सब्जी वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है आप देख सकते हो, क्योंकि मंदिर का जो परिसर है वो भी काफ़ी नीट है, आप लोगों ने देखा होगा। फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा गया है, सेफ्टी का बहुत ही अच्छा ख्याल रखा गया है। और ये है एक वहाँ से भी निकलने का एक रास्ता है। फिलहाल तो हम वापस से मंदिर के अंदर जाएंगे और एक और मंदिर है जो हम आपको दिखाएंगे। ये है रामकृष्ण परमहंस, जिनका एक और एक नाम है गदाधर, इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें हर कोई जानता है। माना जाता है कि माँ काली के सबसे बड़े भक्त थे और माँ काली इन्हें सपने में दर्शन देती थी और मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हें साक्षात दर्शन भी देती थी। तो आप जिधर भी देखोगे कि माँ काली मंदिर जहाँ पर भी है वहाँ पर आपको रामकृष्ण परमहंस आपको ज़रूर मिलेंगे। के जो पुजारी हैं वो है, तो सर पूछिए ना ज़रा कि पूजा जो है ये कितने बार होता है और किस किस टाइम होता है, हफ्ते में कितने दिन होता है, या इनका जो डेली टाइम टेबल वो कैसा होता है? हमारा 7 डेज ही पूजा होता है। सवेरे 5 बजे मंदिर खुलता है, 5:30 को सवेरे एक टाइम आरती और पूजा होता है, दोपहर को 11:30 बजे वापस पूजा आरती होता है, 12:30 बजे हम लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये काउंटर से। अच्छा ये जो, हाँ ये काउंटर है, मैं जो कह रहा था बचपन की मेरी यादें, तो मैं जब 3 था तो यहाँ पर ही हम जो है दुर्गा पूजा के टाइम पे या काली पूजा के टाइम पे भोग जो है हम यहाँ पर प्रसन्न करते थे, यहाँ पर ही हम बाटा करते थे। तो सर ये है पुजारी जो मंदिर के पुजारी हैं, काफ़ी दिन रात एकदम जो कहते हैं ना माँ काली की आराधना में लगे रहते हैं। और हमारा टोटल चार पुजारी हैं और एंटायर जो है मंदिर का जो पूरा जिम्मेदारी जो है पूजा पाठ का वो यही देखते हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं ये है यहाँ का काउंटर, जो मंदिर का ये काउंटर है। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं अपने मन से कुछ भी डोनेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आके डोनेशन कर सकते हैं, एट द सेम टाइम उनको रिसिप्ट भी मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि चैरिटी जो है ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है, हमें चैरिटी करना चाहिए, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी आप चैरिटी करते हो तो आपका वो चैरिटी किसी ना किसी को हेल्प करता है। जैसे कि आप वॉट एवर में भी अमाउंट, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, अगर आप सोचते हैं कि नहीं आपको चैरिटी करना है तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पर चैरिटी का प्रोसेस कैसा है, तो देखते हैं एक बार। अच्छा तो ये जो है ये सोविनर है, आप देख सकते हो ये मंदिर का जो बुक है, यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं कलेक्शन का जो हम कहते हैं ना बैलेंस शीट वगैरह भी इसमें मेंशन रहता है, प्लस काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन जो है मंदिर के अंदर रहता है। और जो भी मेंबर आने हैं जो दुर्गा पूजा के टाइम पर चंदा वगैरह देते हैं, जो भी रेगुलर एक्टिविस्ट यहाँ पर आते हैं उनको ये ईयरली दिया जाता है ना, ईयरली उनको ये दिया जाता है। सो गाइज ये वो प्लेस है जहाँ से हम जो भोग प्रसारण जो थे हम यहाँ से करते थे, और
एंटायर जो गर्दी रहता था वो यहाँ से सब खड़े रहते थे और यहाँ पर जो है पूरा ऑन द वे यहाँ से लाइन आके यहाँ पर आते हैं और यहाँ से भोग जो है खाना वगैरह वो स्टार्ट करते हैं। तो दुर्गा पूजा के टाइम पर अगर आप यहाँ पर आओगे काफ़ी हद तक खुशी का माहौल रहता है। जहाँ पर आप यहाँ पर आते हो आके एंटायर जो मॉप है सब यहाँ पर जो है बैठ कर जो है अपना प्रसाद वगैरह खाते हैं, काफ़ी इन्जॉयमेंट होता है। तो गाइस ये जो आप जगह देख रहे हो, ये जो एंटायर जो सेगमेंट है यहाँ पर है, यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है और यहाँ पर है जो कल्चरल एक्टिविटीज़ के जो स्टेज है वो यहाँ पर लगते हैं, ठीक है ना। और काका उधर वगैरह क्या होता है? इधर प्रोग्राम होता है। अच्छा, यहाँ पर जो कल्चरल प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर होता है और बाथरूम के फैसिलिटीज़ वगैरह भी शायद इधर ही किधर होगा बाथरूम वगैरह के लिए। अच्छा, ये बैक साइड में किचन है यहाँ पर, हाँ उसका खाना वगैरह जो भी है यहाँ पर होता है। और ये एंटायर जो आप ग्राउंड देख रहे हो यहाँ पर जो चेयर्स लगे हुए होते हैं जहाँ पर पब्लिक जो बैठ के प्रोग्राम को जो इन्जॉय करते हैं, और खाने पीने का जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगता है, जो बंगाली डिशेज़ वगैरह जो भी होता है वो यहीं पर जो है आप आके टेस्ट कर सकते हो। अगर आप उल्हासनगर आ रहे हो, दुर्गा पूजा इन्जॉय करना चाहते हो, काली पूजा इन्जॉय करना चाहते हो, तो कुरलाकैंप कालीबाड़ी आप एक बार ज़रूर आइए। सो गाइस अभी जहाँ पर हम जा रहे हैं, जो इस वीडियो का मेन मकसद है, जो मुझे आप लोगों को दिखाना था, तो कमिटी के और भी मेंबर है, ये है सितिकांत सर और इन्हें हम काका भी कहते हैं, और ये मेरे डैड के बचपन के मित्र हैं जो हम जिसे कह सकते हैं। तो जो मैं कह रहा था कैंसर के बारे में, यूजुअली ऐसा होता है कि कैंसर का जो भी इलाज होता है वो मुंबई में कहते हैं कि काफ़ी अच्छा होता है टाटा इंस्टीट्यूट में, तो लोग जो भी आते हैं वो मुंबई में जो है एक रूम लेकर या होटल में रूम लेकर जो अफोर्ड करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इन दिस केस ये काली माता मंदिर जो है कालीबाड़ी ये चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है। इनका जो है एक गेस्ट हाउस है जहाँ पर मिनिमल रेट में आपको रूम्स अवेलेबल होता है पेशेंट्स के लिए, साथ में उसी के साथ ही जो उनके घर वाले हैं वो भी आते हैं जो यहाँ पर रह सकते हैं। टिल देन वहाँ का जो उनका ट्रीटमेंट जब तक ख़त्म है तब तक वो यहाँ पर रह सकते हैं। एट द सेम टाइम खाने पीने के लिए जो है ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है कैंटीन जहाँ पर आपको मिनिमल रेट में खाना मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 30-40 रुपीज़ में आपको एक अच्छा खासा भोजन खाने आपको मिल जाता है। तो गाइज़ ये जो भी आप बोर्ड्स वगैरह जो देख रहे हैं स्लैब है, ये जो धर्मशाला जो बनाया गया है उसके लिए जो भी डोनेशन आया है वो इन लोगों की तरफ से है। और मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा गर्व फील होता है कि ये जो एसोसिएशन है ये पेशेंट से कोई भी चार्ज लेती नहीं है, और जो भी चार्ज है मिनिमम 100-200 रुपीज़, जो आई थिंक कुछ भी नहीं है मुंबई के दौर में। अगर आप किसी मुंबई किसी होटल में अगर आप आते हो तो ये कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर आ रहे हो 200 रुपीज़ देकर आप रूम लेके रह रहे हो, और अनलेस एंड अनटिल जब तक आप क्योर नहीं करते तब तक आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइज़ जो भी डिटेल्स है इसके, मंदिर में कैसे आपको अप्लाई करना है, इस रूम के लिए धर्मशाला के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, सारी डिटेल्स जो है मैं लेकर मेरे डिस्क्रिप्शन जो नीचे होता है वहाँ पर मैं डाल दूँगा। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करेंगे, वहाँ पर भी मैं स्टोरीज़ में मैं डालता रहूँगा। तो गाइज़ ये रूम भी डोनेट किया गया है, उनका नाम आप ऊपर देख सकते हो, और रूम एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये है रूम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेडरोल्स यहाँ पर रखा हुआ है, प्लस अंदर भी देख सकते हैं, और बैठने के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है, वॉशरूम वगैरह वहाँ पर है। और ये रूम देखिए आप, तो गाइज़ ये आप पीछे देख सकते हो, ये है बेड और पेशेंट्स के लिए जो है ये है, और काफ़ी आप देख सकते हो कि काफ़ी लैविश रूम है। आई एम जस्ट वंडरिंग कि 200 रुपीज़ में आपको इतना अच्छा रूम, और मुझे तो ये काफ़ी अजीब लग रहा है ये चीज़ देखकर। तो देखिए साथ में ड्रेसिंग टेबल भी यहाँ पर है,
और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी व्यूअर्स हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन बालकनी है, ये देखिए यहाँ पर ओपन बालकनी, आप यहाँ से जो व्यूज़ है आप देख सकते हो। और जो मैं कह रहा था कि मैं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि अगर आप जब भी विज़िट करते हैं कुरला कैंप, अगर आप आते हो विज़िट करते हो, आप एक बार प्लीज़ इस कालीबता मंदिर में आप एक बार ज़रूर आइए, अपने आँखों से खुद देख के आइए। मुझे ऐसा लगता है कि जो कैमरा है चीज़ों को जस्टिफाई प्रॉपर नहीं करता, अनलेस एंड अंटिल जब तक आप आके अपनी आँखों से नहीं देखेंगे आप यकीन नहीं करेंगे। ये तो हुआ यहाँ का, अब हम चलते हैं टेरेस, टेरेस पे आके देखते हैं कि और क्या क्या एक्टिविटीज़ के लिए जो है ये मंदिर अपने जगह को प्रोवाइड करते हैं, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। सो लेट्स मूव। ये जो हॉल आप देख रहे हो, ये कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, संगीत हो, एंगेजमेंट हो, छोटे छोटे जो बर्थडे पार्टीज़ है वो यहाँ पर किया जा सकता है। इनकेस अगर आप कुरला कैंप में हैं या कल्याण में, जहाँ भी है, और आप एक सोच रहे हैं कि कोई एक प्रोग्राम रखने के लिए, तो आप यहाँ पर एक रख सकते हैं। जो भी डिटेल्स है यहाँ पर बुक करने की, जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये वीडियो को आप शेयर कीजिए, सो मैं यही कहूँगा कि आप शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो दूर दूर तक पहुँचे, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, एटलीस्ट वो यहाँ पर आके जो है रह कर इलाज करा सके और सुस्त होकर अपने घर पे जा सके। सो गाइस, ऑन दैट नोट मैं यही कहूँगा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, और एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है नीचे, लाल कलर का है उसे आप दबा दीजिए, पास ही में एक घंटे का निशान है उसे भी बजा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपकी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो ऑन दैट नोट इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंडसेटर रणबीर।